हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज स्वर्णलता, योर वन एंड ओनली केमिस्ट्री एजुकेटर फ्रॉम सीतामढ़ी विद 19 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। आज हम लोग चैप्टर वन यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी एटॉमिक मास, ग्राम एटम, AMU, U, इन सभी के बीच के रिलेशनशिप को करने के लिए आए हैं और इन सारे डाउट्स कंफ्यूजन्स को दूर करने आए हैं कि कब हम मास को AMU में लिखेंगे, कब हम उसको ग्राम में लिखेंगे, क्या दोनों के अंदर रिलेशनशिप है और कैसे हम इतने छोटे से एटम के मास को डिटरमाइन कर पाते हैं, विच इवन कांट बी सीन बाय नेकेड आई। तो चलिए हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास। देखिए आज के टाइम में तो बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के हेल्प से सारे एलिमेंट्स के मास को डिटरमाइन करना आसान हो गया, लेकिन अर्लियर 19th सेंचुरी या 18th सेंचुरी में ये बहुत डिफिकल्ट था कि इतने छोटे से एटम के मास को हम कैसे कंसीडर करें। तो वहां पे उन लोगों ने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि किसी एक लाइटेस्ट एलिमेंट को हम स्टैंडर्ड एलिमेंट कंसीडर कर लें और उसके रिस्पेक्ट में कोई दूसरा एटम जितना हेवियर होगा, जितना भारी होगा, वही उसका एटॉमिक मास होगा। यानी एटॉमिक मास इज कंसीडर्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी उसको किसी के रिस्पेक्ट में ही डिटरमाइन करने का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हम लोग समझते हैं कि क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो देखिए सबसे जो लाइटेस्ट और छोटा एलिमेंट है वो हाइड्रोजन को कंसीडर करके सबसे पहले इसी को स्टैंडर्ड एलिमेंट कंसीडर किया गया और ये कहा गया, ये देखा गया कि इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के एक एटम के रिस्पेक्ट में कोई दूसरा एटम जितना हेवियर होगा, जितना गुना उससे भारी है, उससे हल्का होगा, वो उसका एटॉमिक मास। जैसे कार्बन इससे 12 गुना है तो उसका 12 ग्राम, अगर नाइट्रोजन इससे 14 टाइम है तो 14, इस तरह से जो है उसके कंपैरेटिव इसको किया गया। बट बाद में ये ऑब्जर्व किया गया कि इसका जो एक्चुअल मास है वो खुद 1.008 है, यानी इसका जो एक्चुअल मास है वो 1.008 ग्राम है। तो अब खुद ही जब फ्रैक्शन में है तो आप इससे तुलना करेंगे, इससे रिलेटिव अगर आप किसी और के मास को निकालेंगे तो वो भी तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, दैट बिकम कॉम्प्लिकेटेड। तो इसको स्टैंडर्ड से हटा दिया गया, फर्स्ट स्टैंडर्ड इसको लेके इसको रिजेक्ट किया गया। सेकेंड में ऑक्सीजन के 16 आइसोटोप को कंसिडर किया गया और इसके रिस्पेक्टिवली कोई भी एलिमेंट जितना गुना इससे भारी या इससे हल्का होगा वो उसका एटॉमिक मास होगा, ये कंसिडर किया गया। बट बाद में इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व कि इसकी वैल्यू भी 15.998 है ऑलरेडी इन फ्रैक्शन। तो अब इसको भी रिजेक्ट करके जो स्टैंडर्ड लिया गया है वो कार्बन 12 आइसोटोप को लिया गया है, यानी कार्बन 12 इज द मास ऑफ कार्बन। कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं द एलिमेंट विथ सेम एटॉमिक नंबर विथ डिफरेंट मास नंबर, यानी कार्बन का 12 और कार्बन का 14 दो मास लिया गया है, दिस टू आर कॉल्ड आइसोटोप्स टू ईच अदर। तो इसके कार्बन 12 आइसोटोप को कंसिडर किया गया और ये कहा गया कि कार्बन 12 के एक एटम के रिस्पेक्ट में कोई दूसरा एटम जितना हेवियर होगा वही उसका एटॉमिक मास होगा। यानी अगर हम हीलियम की बात करें तो वो कार्बन 12 का 1/3 है, इसलिए उसका मास, एटॉमिक मास कितना है, 4। ठीक है, अगर हम किसी अदर एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो वो इससे 1 point something जो है वो इंक्रीज करेगा, इसलिए उसका 14 के करीब एटॉमिक मास। तो इस तरह से कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में, यानी जो डेफिनेशन आई इसकी, ये डेफिनेशन आई एटॉमिक मास की कि रिलेटिव एटॉमिक मास मे बी डिफाइंड एज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम या एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम
इज हेवियर. हेवियर का मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा से भारी होगा, से हल्का भी सकता है, मतलब उसके रिलेटिवली वो जितना टाइम्स होगा हेवियर. द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम इज हेवियर देन द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12. ठीक है, यानी कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के रिस्पेक्ट में कोई भी अदर एटम जितना हेवियर होगा, जितना टाइम्स उससे मोर या लेस होगा, वही उसका क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास. ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पे कि कार्बन 12 के खुद जो मास होते हैं उसको हम किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं. तो कोई भी आप देखिए फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग को एक स्टैंडर्ड टर्म यूज करना है. तो यूनिट ऑफ एटॉमिक मास जो है ना वो होता है AMU, दैट इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, इसी को अब U के रूप में लिखते हैं, दैट इज यूनिफाइड मास. ठीक है ना, यानी आप AMU को ही U लिखते हैं. सो देर इज नो एनी कंफ्यूजन कि AMU और U क्या है, दोनों सेम ही है. दिस इज एटॉमिक मास यूनिट, इसी को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया, यूनिफाइड मास के रूप में इसको लिख दिया जाता है. अब देखिए क्या इसका मतलब है कि कार्बन 12 के एक एटम के AMU का क्या मतलब है, ये चीज हम लोग अभी देखते हैं. यहां देखिए, यहां आपके पास एक टर्म आया AMU. व्हाट इज AMU? तो देखिए 1 AMU की बात अगर हम करते हैं, तो जैसे हम कार्बन 12 का एक पूरा एटम लेंगे और उसका 12 पार्ट कर देंगे, उसको हम लोग 12 पार्ट में कट कर देंगे. जैसे एक एटम हमारे पास कार्बन का है और इसको हम लोग 12 पार्ट में हम लोगों ने एक 1 carbon 12 एटम को कट कर दिया. तो 1 AMU क्या होता है, तो 1 AMU मे बी डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12. मतलब आप देखिए इसका क्या हुआ, ये कहना है कि जब कार्बन को हम 12 पार्ट में कट कर देते हैं तो उसका जो 1/12 पार्ट का जो मास होता है, यानी ये दिस मच, ये 1/12 पार्ट जो है हमारे पास, ये मास देखिएगा, ये वाला पार्ट, ये 1/12 पार्ट, दिस 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, इस 1/12 पार्ट का जो मास होता है ना, दैट इज कंसिडर्ड एज 1 AMU. ठीक है ना, यानी अगर हीलियम का 4 AMU मास है, यानी इस 1/12 का वो 4 टाइम्स है, इस 1/12 ऑफ कार्बन 12 का वो कितना है, 4 टाइम्स है, इसलिए उसका एटॉमिक मास यूनिट क्या है, उसका मास क्या है, 4 AMU. अगर एक सोडियम की बात हम करें, एक सोडियम की बात करें, तो इसका मतलब कार्बन 12 का ये जो 1/12 पार्ट है ना, इसका वो 23 टाइम्स है, इसका मतलब उसका जो मास है वो कितना है, 23 AMU. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 carbon atom की बात करें, 12 आइसोटोप वाले कार्बन एटम की बात करें, तो इसका कितना मास हम लोग लेंगे, 12 AMU, क्योंकि दिस 1/12 पार्ट इज इक्वल्स टू 1 AMU, और इसका हम टोटल 12 पार्ट लेंगे तब ये 1 carbon atom होगा, इट मीन्स इट इज 12 AMU. आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 पार्ट करिए और वो जो 1/12 पार्ट कीजिए और उसका जो 1/12 पार्ट है ना, ये 1 AMU है. इसी 1 AMU के रिस्पेक्ट में कोई भी दूसरा एटम जितना टाइम्स उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा, वही उसका क्या होगा, एटॉमिक मास. ठीक है, और उस एटॉमिक मास को हम AMU में एक्सप्रेस करेंगे, यानी अगर हम एक एटम
सोडियम की बात करें तो हम बोलेंगे उसका मास 23 AMU है। अगर हम एक एटम कैल्शियम बोलेंगे तो हम उसका 40 AMU बोलेंगे, हम उसको ग्राम में नहीं बोल सकते हैं, या आप सिंपली इसको यू लिखेंगे यूनिफाइड मास के फॉर्म में। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा ये? ठीक है, तो अब आप कहिएगा कि मैम लेकिन जनरली हम लोगों से पूछा जाता है कि एटॉमिक मास कितना है कार्बन का, तो हम लोग बोलते 12 ग्राम है। एटॉमिक मास सोडियम का कितना है, तो 23 ग्राम है। मैग्नीशियम का कितना है, तो 24 ग्राम है। सिर्फ ग्राम क्यों बोलते हैं जब यूनिट ये है? तो ये यूनिट है, लेकिन ये कितने का है? फॉर वन एटम। जनरली हम लोग जो कंसीडर करते हैं या जो हम लोग मानते हैं वो हम लोग एक मोल या एक ग्राम एटम को मानते हैं। हम लोग एक मोल या एक ग्राम एटम को बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमसे ये पूछेगा कि वन ग्राम एटम कार्बन का मास कितना है, तो हम बोलेंगे 12 ग्राम। अगर हमसे पूछेगा वन ग्राम एटम सोडियम का मास कितना है, तो हम बोलेंगे 23 ग्राम। अगर हमसे कहेगा वन ग्राम एटम कैल्शियम का मास कितना है, तो हम बोलेंगे 40 ग्राम। तो क्या है रिलेशन ग्राम एटम और इस एटम के बीच, क्या है रिलेशन एएमयू और ग्राम के बीच, ये समझना हम लोगों के लिए जरूरी है। तो हम लोग अभी वही करने वाले हैं कि एएमयू और ग्राम में क्या रिलेशन है और ग्राम एटम और एटम में क्या रिलेशन है। तो देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट। तो हम लोग अभी देख रहे हैं ना कि जो वन एटम कार्बन 12 की बात अगर हम करें तो हम लोग को पता है कि 6.022 इंटू 10^23 एटम्स जो होता है ना, दैट इज इक्वल्स टू 1 ग्राम एटम। ठीक है, यहां जो ये हम 1 एटम कह रहे हैं और एएमयू यूनिट दे रहे हैं, वो 1 एटम के लिए दे रहे हैं। जब हम 1 ग्राम एटम की बात करते हैं, इसका मतलब हम क्या लेते हैं, 6.022 इंटू 10^23 एटम्स कार्बन को लेते हैं। यानी जब हम 23 ग्राम सोडियम लेते हैं, मीन्स हम 6.022 इंटू 10^23 एटम्स सोडियम को लेते हैं। यानी जब हम 40 ग्राम कैल्शियम लेते हैं तो वो हमारा वन एटम नहीं होता है, वो हमारा एवोगैड्रो नंबर के बराबर। दिस 6.022 इंटू 10^23 इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, वो इतने एटम की बात करते हैं। समझ में आ गई बात? सबसे पहली बात, एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम इज हेवियर देन द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम के रिस्पेक्ट में कोई दूसरा एटम जितना हेवियर है वो उसका एटॉमिक मास है। उस एटॉमिक मास को एएमयू में एक्सप्रेस करते हैं, फॉर वन एटम ओनली, फॉर वन एटम ओनली हम लोग एएमयू में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, यानी वन एटम कार्बन 12 मतलब 12 AMU, वन एटम सोडियम मतलब 23 AMU। क्लियर है? जब हम इस AMU को, यानी कि जब एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, तो दैट इज नोन एज ग्राम एटम। यानी व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस्ड नॉट इन AMU, इन ग्राम, इट इज कॉल्ड ग्राम एटम। ठीक है, जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो कहलाएगा कि वो वन ग्राम एटम है। एंड वन ग्राम एटम कंटेन्स 6.022 इंटू 10^23 एटम्स। यानी जब कभी भी हम लोग मास को ग्राम में लिखते हैं ना, तो आप याद रखिएगा वो हम लोग वन एटम का मास नहीं बोलते हैं, वो हम लोग वन ग्राम एटम का बोलते हैं या वन मोल का बोलते हैं। वो हम लोग वन ग्राम एटम का ये बोलते हैं या फिर वन मोल एटम भी बोल सकते हैं हम लोग उसको, वन मोल एटम के लिए बोलते हैं। समझ में आ गई बात सभी को?
जब भी हम ग्राम में मास को बताएंगे तो वो हम एक एटम के लिए नहीं बल्कि एक ग्राम एटम के लिए बोलेंगे या ए वन मोल एटम के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि एएमयू और ग्राम में क्या रिलेशन है। तो ग्राम एटम और ग्राम का रिलेशन तो आप समझ गए, ग्राम यूनिट तभी यूज होगा जब नंबर ऑफ एटम एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे, और एएमयू यूनिट तभी यूज होगा जब आपको वन एटम का मास निकालना होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एएमयू कब लिखते हैं और ग्राम हम कब एक्सप्रेस, ग्राम में कब एक्सप्रेस करते हैं। ग्राम एटम क्या होता है, तो जब एटॉमिक मास ग्राम में एक्सप्रेस होता है तो वो हो जाता है वन ग्राम एटम या वन मोल एटम। ठीक है, अब देखिए कि ये जो हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं, इस रिलेशनशिप को अब हम लोग आगे को डिराइव करेंगे। तो देखिए, हम लोगों को अब यहाँ पे निकालना होगा 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो एक एटम कार्बन 12 का मास हम लोग अभी देख रहे हैं कि 1 ग्राम एटम कार्बन की बात करेंगे, कार्बन 12 की, तो दैट इज 12 ग्राम, और 1 ग्राम एटम मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम, यानी इतने एटम्स कार्बन 12 का मास कितना है 12 ग्राम। तो 1 एटम कार्बन 12 का मास कितना होगा बताइए, 12 divided by 6.022 × 10⁻³ ग्राम। दिस इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इन टर्म ऑफ ग्राम। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो एक एटम कार्बन 12 को क्या लिखते हैं, 12 एएमयू लिखते हैं ना, लेकिन एक एटम कार्बन 12 को जब ग्राम में लिखेंगे तो वो हो जाएगा 12 upon एवोगैड्रो नंबर। ठीक है ना, तो यही आपको रिलेशन मिल गया, बट यहां हम लोग इसको पुट करेंगे और तब डालेंगे 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम, यानी एक एटम कार्बन 12 का मास वो हमारा कितना है 12 upon 6.022 × 10⁻³ ग्राम। 12 से 12 कट गया हमारा एंड वी गेट एक एएमयू में 1/6.022 × 10⁻³ ग्राम होता है। कितना होता है 1 by एवोगैड्रो नंबर के बराबर ग्राम होता है एक एएमयू में। यानी जब कभी भी हम लोग एएमयू में एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी हम लोग सिर्फ एक एटम का मास बता रहे हैं, ठीक है, जब भी हम एएमयू में एक्सप्रेस कर रहे हैं यानी हम लोग सिर्फ एक एटम का मास बता रहे हैं, और जब हम ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं यानी हम एक मोल एटम या एक ग्राम एटम को एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी हम एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम का मास वहां पर बता रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या है। अगर एक बार फिर से हम देख लें, अगर हम वन एटम सोडियम बोलते हैं, मतलब हम लोग 23 AMU सोडियम बोलते हैं, ठीक है, जब हम 1 ग्राम एटम या हम इसको बोल सकते हैं 1 मोल एटम सोडियम बोलेंगे, तो यानी तब हम इसको बोलेंगे 23 ग्राम। और इस वक्त यानी हम एक ग्राम एटम इसका मतलब 6.022 × 10⁻³ एटम्स का मास बताते हैं। ठीक है, यानी अब जब कभी भी हम लोगों के पास ये समझ में आए कि एटॉमिक मास ग्राम में एक्सप्रेस हो रहा है, यानी वहां हम लोग ये समझ जाएंगे कि वो 1 मोल का हो रहा है, 1 ग्राम एटम का। ये जो ग्राम एटम टर्म है ना, ये ऑलवेज एलिमेंट के लिए ही यूज होता है जो कि सिंगल एटम से फॉर्म कर रहा है। जैसे आप ये चीज भी क्लियर हो लीजिए, अगर 1 मोल ऑक्सीजन कहा जाएगा और 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन कहा जाएगा, तो क्या डिफरेंस होगा दोनों में? जब 1 मोल ऑक्सीजन की बात कही जाएगी ना, तो ऑक्सीजन तो डायएटॉमिक नेचर का होता है, यानी 1 मोल O2 कहा जाएगा, और जब ग्राम एटम हो गया ना, इसका मतलब है कि ये एटॉमिक फॉर्म में है, यानी कि 1 ग्राम एटम O, वहां O2 फॉर्म नहीं होगा, यहां पे O2 नहीं लिखेंगे, बल्कि ये क्या कह रहा है,
ये ग्राम एटम ये एक्सप्रेस कर रहा है कि ऑक्सीजन को O2 के फॉर्म में नहीं बल्कि O के फॉर्म में कंसीडर करना है, ठीक है। यानी ये ग्राम एटम टर्म जब भी होता है वो मोनो एटॉमिक के लिए यूज होता है। ग्राम एटम टर्म इज यूज्ड फॉर मोनो एटॉमिक सबस्टांस, या आप कह सकते हैं मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स, ठीक है ना। वहां अगर आपको डायटॉमिक ट्राइटॉमिक है तो वहां मोल टर्म यूज होगा। ग्राम एटम अगर कह दिया तो इसका मतलब उसका हमको डाई मतलब डाइमर फॉर्म नहीं लेना है, उसका डायटॉमिक फॉर्म नहीं लेना, उसका मोनो एटॉमिक फॉर्म ही कंसिडर करना है। तो ग्राम एटम हमेशा एलिमेंट के मोनो एटॉमिक फॉर्म के लिए यूज होगा और मोल जो है वो आपको सबके लिए यूज हो जाता है। तो इस तरह से आई थिंक आपको AMU और ग्राम का रिलेशन क्लियर हो गया होगा। क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? 1 AMU का मतलब हो गया 1/Avogadro नंबर के बराबर ग्राम। 1 AMU में 1/Avogadro नंबर के इक्वल जो है वो ग्राम होता है। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम आ जाएगा, दैट इज 1 AMU। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 6-6 या 6-7 ऐसे रखा आपको, ये आप देख लेंगे ये रिलेशन होता है AMU और ग्राम के बीच में, ठीक है। तो जब कभी भी वन एटम की मास कही जाएगी तो AMU में एक्सप्रेस करना है, और अगर ग्राम में करना है तो Avogadro नंबर से डिवाइड कर दो, और जब ग्राम एटम की बात होगी तो वो ग्राम में एक्सप्रेस होगा। यानी अगर ग्राम में मास लिखा हुआ है तो यानी कि वो 1 ग्राम एटम या 1 मोल एटम का मास होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्राम और AMU में क्लियर हो लिए, एटॉमिक मास समझ गए कि वो रिलेटिव एटॉमिक मास का एक्चुअल मतलब क्या है। 1 AMU का एक्चुअल मतलब क्या हो गया? 1 AMU का मतलब हो गया कि कार्बन के एक पूरे एटम का 12th पार्ट कर दो और उसका जो 1/12th पार्ट है उतने का जो मास होगा ना वो 1 AMU है, और उसी 1/12th पार्ट की तुलना में ही कोई भी दूसरा एटम जितना हेवी होता है ना वो उसका एटॉमिक मास होता है। अगर वो 4 गुना है तो 4 हो जाएगा उसका, 7 गुना है तो 7 हो जाएगा उसका, 12 गुना है तो 12 हो जाएगा। इस तरीके से एटॉमिक मास जो है वो हम लोग निकाल लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जनरली जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो आइसोटोपिक फॉर्म में होते हैं, यानी एक ही एलिमेंट्स के डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो मान लीजिए हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन का 12 आइसोटोप भी होता है, 14 आइसोटोप भी होता है, ऑक्सीजन का भी 16 भी होता है, 18 भी होता है। हम लोग किस आइसोटोपिक फॉर्म का यूज करेंगे, कौन सा मास लेके न्यूमेरिकल करेंगे, 16 लेंगे कि 12 लेंगे इसका कि 14 की, ऐसे मतलब क्या लेंगे, वो इस चीज को करने के लिए हम लोगों को पढ़ना होगा एवरेज एटॉमिक मास। हम लोग करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। तो देखिए एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है, इसको हम दो रिस्पेक्ट में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक होगा हमारा समेशन ऑफ परसेंटेज एबंडेंस, यानी जो भी आइसोटोपिक फॉर्म है वो कितने परसेंटेज में अवेलेबल है, इनटू उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज में 100 के रिस्पेक्ट में। और अगर परसेंटेज नहीं देके फ्रैक्शनल अबंडेंस दिया होगा, फ्रैक्शन में दिया होगा, तो फ्रैक्शनल अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास और उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 1 से, क्योंकि फ्रैक्शन जो है वो 0 to 1 के बीच हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसके। तो दिस इज द फॉर्मूला। यानी अगर आपके पास क्लोरीन 35 है और क्लोरीन 37 है तो आप इसका एटॉमिक मास क्या लेते हैं, 35.5। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इसका ये एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं ना, दोनों आइसोटोप के एबंडेंस कितनी प्रचुरता में वो अवेलेबल है, कितने परसेंटेज में, और ईच का एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करके उसका सम निकाल के जब हम उसका एवरेज निकालते हैं तो वो 35.5 आता है। इसलिए हम लोग इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या लेते हैं, 35.5। एंड इसी तरीके से बाकी भी अगर एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास निकलता है वो एवरेज रिस्पेक्ट में ही निकलता है। तो इसके लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, जिससे कि हम लोग देखिए हम लोगों के पास दो डाटा है, एक है नियॉन का जिसमें उसका फ्रैक्शनल अबंडेंस दिया हुआ है, और एटॉमिक मास अगर नहीं दिया है एग्जैक्ट वैल्यू तो आप 20, 21, 22 ही ले लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है
जिसमें कि आपको कार्बन के 3 आइसोटोप्स दिए हुए हैं और उनका परसेंटेज अबंडेंस दिया हुआ है और एग्जैक्ट एटॉमिक मास जो है वो यहाँ पे दी हुई है, जैसे 12 का 12, 13 का 13.00335, आप 13 लेके भी कर सकते हैं, 14 का 14.00317। तो अगर ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है तो हम लोग एवरेज एटॉमिक मास इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा समेशन ऑफ द फ्रैक्शनल अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास, मींस 20 × 0.9051 प्लस 21 × 0.0027 प्लस 22 × 0.0922 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको वैल्यू आएगा 20.179 AMU, या सिंपली हम इसको U बोलेंगे, ये वैल्यू हमारी आएगी, यानी दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हुआ जब फ्रैक्शनल अबंडेंस दिया हुआ होता है। सेकंड वाले को सॉल्व करने के लिए जब परसेंटेज गिवन होती है तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, यहां एवरेज एटॉमिक मास होगा 12 × 98.892 प्लस 13.00335 × 1.108 प्लस 14.00317 × 2 × 10⁻¹⁰ डिवाइडेड बाई, परसेंटेज है इसलिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी परसेंट अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास प्लस परसेंट अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू आएगा 12.011 AMU। ठीक है, तो दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास, इसलिए हम लोग देखिएगा न्यूमेरिकल में 12 वाले मास को ही यूज करते हैं जनरली फॉर वन एटम, 12 AMU का यूज करते हैं। ठीक है, और जब हम 1 ग्राम एटम लेते हैं, यानी जब हम लोग 6.022 × 10⁻²³ एटम्स लेते हैं तो वो हम लोग 12 ग्राम उसका मास लेते हैं, और जनरली हम लोग यही ग्राम एटम यानी मोल एटम को लेकर के ही आगे जो भी है वो कैलकुलेशंस करते हैं। तो इस तरह से आई थिंक आप लोगों को एटॉमिक मास यानी एक छोटे से एटम का मास कैसे निकाला जा सकता है, तो अब तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के हेल्प से निकल रहा है, बट पहले रिलेटिवली निकाला जाता था। पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लिया गया, उसका वैल्यू फ्रैक्शन में था, रिजेक्ट किया गया। ऑक्सीजन को लिया गया, उसका वैल्यू भी फ्रैक्शन में था, रिजेक्ट किया गया। फिर लास्ट में कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में आया। कार्बन 12 का 12th पार्ट करके 1/12th पार्ट का जो मास 1 AMU है, उसी के रिस्पेक्ट में कोई दूसरे एटम जितने हेवियर हुए थे वही उनका एटॉमिक मास हो जाता है। तो 1 AMU का मतलब होता है 1/12th ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। एक एटम कार्बन 12 का जितना मास होगा उसका 1/12th पार्ट जो होता है दैट इज 1 AMU। तो जब 12th पार्ट करेंगे तो वो पूरे कार्बन एटम का मास होगा, दैट इज 12 AMU। उसी तरह से अगर हीलियम हुई तो वो 1 AMU का 4th टाइम है, तो दैट इज 4 AMU। सोडियम 23 टाइम्स है तो 23 AMU। तो इस तरह से AMU में हम लोग एटॉमिक मास के यूनिट को डालते हैं। लेकिन जब उस AMU को हम ग्राम में चेंज करेंगे तो हम 1/Avogadro नंबर यानी Avogadro नंबर से उस AMU को डिवाइड कर देंगे, वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम ग्राम एटम टर्म यूज कर रहे हैं तो वो हम 6.022 × 10⁻²³ यानी Avogadro नंबर के बराबर एटम की बात कर रहे हैं। तो जब हम किसी के भी एटम के मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो हम ग्राम एटम के लिए एक्सप्रेस करते हैं, और ग्राम एटम टर्म हमेशा मोनो एटॉमिक फॉर्म के लिए यूज होता है जब एक ही एटम का सबस्टांस बना हुआ हो। ठीक है, और उस वक्त नंबर ऑफ एटम Avogadro नंबर के बराबर होते हैं और मास जो है वो ग्राम में एक्सप्रेस हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग एटॉमिक मास क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, AMU क्या है, U क्या है, AMU और ग्राम में रिलेशन क्या है, ग्राम एटम टर्म क्या है, और कब हम जो पॉइंट में जो मास को लेते हैं वो क्यों लेते हैं, तो वो एवरेज एटॉमिक मास की वजह से आइसोटोपिक एलिमेंट्स के केस में ये चीज आती है, और आइसोटोपिक एलिमेंट्स का एवरेज एटॉमिक मास जब उसका फ्रैक्शनल अबंडेंस दिया हो, जब उसका परसेंटेज अबंडेंस दिया हो, तो हम कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें आज हम लोगों ने इस क्लास में की। अब जब हम लोगों ने एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया
तो नेचुरली हम लोग मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। जैसे एटॉमिक मास तो हम लोगों ने सोडियम की निकाल ली, एटॉमिक मास हम लोगों ने कार्बन की निकाल ली, लेकिन जब हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड की निकालनी होगी मास, जब हम लोगों को NaCl की निकालनी होगी मास, तब हम क्या करेंगे, तब हम कैसे निकालेंगे? तो दिस इज नॉट एन एलिमेंट, दिस इज नॉट एटम, इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स, ये दो या दो से ज्यादा एटम से मिलके बना है, सो इट इज अ मॉलिक्यूल। तो जब किसी मॉलिक्यूल के मास को निकालते हैं तो वो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है, और वो निकलेगा कैसे, तो वो भी AMU में ही एक्सप्रेस होगा, और जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास का वो सब हो जाएगा। यानी आप अगर मॉलिक्यूलर मास को भी डिफाइन करेंगे तो डेफिनेशन वैसे ही होगी कि द नंबर ऑफ टाइम्स अ मॉलिक्यूल इज हेवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन 12। एक एटम कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में कोई मॉलिक्यूल जितना हेवियर है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल बनता किससे है, एटम से ही ना, तो एटम के एटॉमिक मासेस को आप जोड़ देंगे तभी तो मॉलिक्यूलर मास आएगा, और वो एटॉमिक मास कैसे आ रहा है, तो कार्बन के 12वें पार्ट 1/12 पार्ट जो 1 AMU है उसके रिस्पेक्ट में जितना मास आ रहा है किसी भी एटम का वो उसका एटॉमिक मास है। तो उसी एटॉमिक मासेस को अगर हम जोड़ देंगे, जैसे अगर हमको कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब हो गया कि हम लोग एक एटम कार्बन का मास लिखेंगे 12 AMU और एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 × 2 यानी 32, टोटल ये कितना हो जाएगा 44 AMU, या सिंपली हम उसको यू लिखते हैं, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ठीक है, वैसे ही जब हम NaCl के लिए निकालते हैं तो NaCl के लिए क्या होगा, सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5 AMU, या हम इसको सिंपली यू भी बोल सकते हैं, दैट इज 58.5 U। तो इस तरीके से दिस इज द मॉलिक्यूलर मास, यानी जिन जिन एटम से मिलकर के वो कोई मॉलिक्यूल फॉर्म किया है उनके एटम्स के मासेस को जोड़ दो, दैट गिव्स द मॉलिक्यूलर मास। और डेफिनेशन एटॉमिक मास की तरह ही कि द नंबर ऑफ टाइम्स अ मॉलिक्यूल इज हेवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन 12, मीन्स 1/12 पार्ट ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में कोई दूसरा एटम मॉलिक्यूल जितना हेवी होगा वो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा, वो कैलकुलेट होगा एटॉमिक मासेस को जोड़ करके। इसकी भी यूनिट AMU या यू ही होगी, लेकिन जब ये ग्राम में एक्सप्रेस होगा तो यहां पे ग्राम मोल या मोल टर्म यूज होगा। यानी व्हेन द मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ग्राम, जैसे हम लोगों ने एटॉमिक मास में पढ़ा था कि व्हेन द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ग्राम इट इज कॉल्ड ग्राम एटम। ये मॉलिक्यूलर मास में पढ़ेंगे कि व्हेन द मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ग्राम इट इज कॉल्ड ग्राम मोल या सिंपली मोल। तो यहां हमारे पास एक मोल टर्म आया, मोल, जो बहुत बच्चों को, जो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं केमिस्ट्री में उनको बहुत मजा आता होगा, बट कुछ बच्चों को ये टर्म बहुत ही भारी लगता होगा, बहुत टफ, लेकिन इसको हम लोग इजियर करके लेके आएंगे कल की क्लास में, जिसमें हम लोग मॉलिक्यूलर मास और मोल टर्म को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और साथ में उसके न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, यानी एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, AMU, U, ग्राम, सभी के बीच का रिलेशन, ग्राम एटम क्या है, ये सारी बातें, ये सारी चीजों से आज इस क्लास को एंड करते हैं, और कल हम लोग लेके आएंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, बाय।